बाबर वान साहब भी आए रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी पीछे हुई बिल्कुल ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? आप तीन जगह से MLA का, तीन जगह से MPA का, सारी जगह पे लड़ रहे हैं। आपको लेविंग क्लीन लेविंग प्लेइंग दिया जा रहा है कि नहीं, इससे क्या लगता है? फील्ड ही को नहीं, लेवल क्या कर रहे हैं? फील्ड होगा तो करेंगे ना। अब देखिए, मैंने बाहर जो बात की थी लफ्ज भी वही है, पीटीआई पूरी थी, फील्ड ही कोई नहीं। पार्टी चेयरमैन इस वक्त तब्दील हो चुका है तरीके से, आपका पार्टी चेयरमैन इस वक्त ब्रेस्टर गोहर बन चुका है। आप एग्री हैं? ठीक है, लेकिन फिर आप क्या, पार्टी चेयरमैन ब्रेस्टर गोहर इस वक्त बन चुके हैं? पार्टी चेयरमैन ब्रेस्टर गोहर इस वक्त बन चुके हैं, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल अनअपोज्ड, इंशाल्लाह। आप याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। अब लगता है सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, बात सुने, इलेक्शन होने दें और बुनियाद रखें अच्छी सोच की, अच्छे काम की, और इसमें फ्यूचर है गरीब आवाम का। और जो महंगाई से ये दोनों लाडले जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अभी कल दोबारा गैस भी बढ़ी है, बिजली भी बढ़ी है, और कौन सा ये जंगल का कानून है? अब देखे मेरी बात सुने, मिसाल के तौर पर मैंने कहा है जी कि मुझे दो दफ़ा अटैक भी हुआ है और मैंने RIC में जाना है, नहीं जाने दे रहे, जंगल का कानून है। और नवाज शरीफ के लिए अब मैं क्या कहूँ, जुडिशरी का बड़ा एहतराम है, लेकिन जो पुलिस और जो जिस तरह उसका प्रोटोकॉल है, ये तो पहले ही बन के बैठा हुआ है, ये फिर जंगल का कानून हो गया ना। फेयर इलेक्शन देख रहे हैं आप? फेयर इलेक्शन होंगे? फेयर इलेक्शन ना कराए तो मैंने बता दिया आपको। बाबर साहब ये बताएं, आपको लगता है इलेक्शन नजर आ रहे हैं आसमान में तो होंगे? इलेक्शन किसी का एहसान नहीं है, ये आईन का तकाजा था और आइन में जो लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके मुताबिक डेट दिया, इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया हुआ है। नहीं होंगे किस तरह होंगे? कोई ऐसा टैक्टिक यूज किया जा सकता है इलेक्शंस को रुकवाने के लिए, आपको लगता है? आप भी कानूनी माहिर हैं, इलेक्शन होंगे। सर ये बताएं कि पीटीआई सारे टैक्टिक्स नाकाम हो गए दिया जा रहा है, आपको लगता है इलेक्शन में? अच्छा, एक क्लाइंट हमारे आए हैं, जरा मिल लूं। बाबर साहब क्या कह रहे हैं, प्लेइंग फील्ड दी जा रही है पीटीआई को? लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें की जा रही है, पीटीआई को लेवल प्लेइंग दी जा रही है, हमें फील्ड नहीं मिली, लेवल क्या है? और लेवल खुद करेंगे, इलेक्शन आप कंटेस्ट करेंगे? इलेक्शन आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जिस चीज को इमरान जहां जहां से कहेगा वो इलेक्शन लड़ेगा इंशाल्लाह। ये जो सलमान अकरम राजा, ये जो हल्के जिन जिन का उन्होंने इंतखाब किया है, इसका है कि अपने आप सब कुछ शामिल कर दें। बाबर वान साहब भी आए रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं करता ही था पे कि मैं क्या बनाना मुलाकात होनी चाहिए बल्कि मैं उन्होंने मैसेज कर दी अपना गौर साहब ने मैं क्या आ जाते थे असी जरा वो एक दो गल्ला कर लेते मैं इससे हंसते आगे चलो।
और थोड़ी पीछे हो बिल्कुल ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे आप? तीन जगह से MLA का, तीन जगह से MPA का, सारी जगह पे लड़ रहे हैं। आपको लेविंग क्लीन लेविंग प्लानिंग दिया जा रहा है कि नहीं, इससे क्या लगता है? फील्डिंग होनी, लेवल क्या करना है? फील्ड होगा तो करेंगे ना। अब देखिए, मैंने बाहर जो बात की थी लफ्ज भी वही है, पीटीआई पूरी थी, फील्डिंग हो गई थी। पार्टी चेयरमैन इसमें तब्दील हो चुका है तरीके से आपका, पार्टी चेयरमैन इसमें प्रेशर गोवर बन चुका है, आप एग्री हैं? ठीक है, लेकिन फिर आपको क्या, पार्टी चेयरमैन प्रेशर गोवर इसमें बन चुके हैं? पार्टी चेयरमैन ब्रेस्टर गोहर इस वक्त बन चुके हैं, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल इलेक्ट अनअपोज्ड, और इंशाल्लाह आप याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। अब लगता है ऐसे सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, बात सुने, इलेक्शन होने दें और बुनियाद रखें अच्छी सोच की, अच्छे काम की, और इसमें फ्यूचर है गरीब आवाम का, और जो महंगाई से ये दोनों लाडले जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अभी कल दोबारा गैस भी बढ़ी है, बिजली भी बढ़ी है, और कौन सा ये जंगल का कानून है? अब देखें मेरी बात सुने, मिसाल के तौर पर मैंने कहा है जी कि मुझे दो दफ़ा अटैक भी हुआ है और मैंने RICU में जाना है, नहीं जाने दे रहे, जंगल का कानून है। और नवाज शरीफ के लिए अब मैं क्या कहूँ, जुडिशरी का बड़ा एहतराम है, लेकिन जो पुलिस और जो जिस तरह उसका प्रोटोकॉल है, ये तो पहले ही बन के बैठा हुआ है, ये फिर जंगल का कानून हो गया ना। फेयर इलेक्शन देख रहे हैं आप, फेयर इलेक्शन होंगे? फेयर इलेक्शन ना कराए तो मैंने बता दिया आपको। बाबर साहब ये बताएं, आपको लगता है इलेक्शन नजर आ रहे हैं? आपको भी तो होंगे। इलेक्शन किसी का एहसान नहीं है, ये आईन का तकाजा था और आइन में जो लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके मुताबिक डेट दिया है, इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया हुआ है। नहीं होंगे किस तरह होंगे? कोई ऐसा टैक्टिक यूज़ किया जा सकता है इलेक्शंस को रुकवाने के लिए, आपको लगता है? आप भी कानूनी माहिर हैं। इलेक्शन होंगे। अच्छा ये बताएं कि PTI सारे टैक्टिक्स नाकाम हो गए, दिया जा रहा है, आपको लगता है इलेक्शन में? अच्छा एक क्लाइंट हमारे आए हैं, जरा मिल लूं। हैं बाबू साहब, क्या कह रहे हैं? प्लेइंग फील्ड दी जा रही है PTI को, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें की जा रही है, PTI को लेवल प्लेइंग दी जा रही है। हमें फील्ड नहीं मिली, लेवल क्या है? और लेवल खुद करेंगे। इलेक्शन आप कंटेस्ट करेंगे? इलेक्शन आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जिस चीज को इमरान जहाँ जहाँ से कहेगा वो इलेक्शन लड़ेगा इंशाल्लाह। ये जो सलमान अकरम राजा, ये जो हल्के जिन जिन का उन्होंने इंतखाब किया है, मैंने जिस जिस कह के अपने आप सब कुछ शामिल कर दिया।